Pasito, pasito! गया तो 13 तारीख को हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के नेतृत्व में। इसमें सर्व समाज हमारे साथ है। हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि 9 माह हो गए हमारे समाज के एक बुजुर्ग दंपत्ति को किसी ने घर में घुसकर रात को चाकुओं से गोद डाला, उसकी हत्या कर दी। आज तक 9 माह में पुलिस ये जानकारी पता नहीं कर पाई है कि किसने किया है। हमारे समाज में बहुत आक्रोश है और आक्रोश चरम सीमा पर है। अगर 10 तारीख तक अरमान सिंह अरमान को गिरफ्तार नहीं किया तो राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा और 13 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। आपकी गिरफ्तारी आंदोलन मतलब उनको गिरफ्तार करने की है या फिर निष्पक्ष जांच की भी है? निष्पक्ष जांच भी चाहते हैं हम। कोई भी बेगुनाह जेल जाए हम भी नहीं चाहते, लेकिन गुनहगार कोई भी नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो। गुनहगार आदमी को जेल के अंदर सलाखों के पीछे हम पहुँचा के छोड़ेंगे। नाम बताओ। मैं रविंदर सिंह आड़ा। जो मेरे भाई की हत्या हुई है उनमें जो भी जितने भी गुनहगार हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा नहीं है कि ये बालिक है ये नाबालिग है, सबके साथ एक इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाबालिग है, हमारे घर में भी नाबालिग बच्चे जो 18 साल से कम है, हम नहीं चाहेंगे कि वो कल को ये सब अपराध करें। तो हम ये चाहते हैं चाहे नाबालिग हो चाहे बालिक हो, सबको या तो फांसी की सजा या आजीवन कारावास हम चाहते हैं। और चाहते हैं पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन ने बहुत से लोगों को पकड़ा है, हम उनके साथ हैं, वो हमारा सपोर्ट कर रही हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि कानून उनको फांसी दे या तो उनको आजीवन कारावास दे। ये नहीं कि नाबालिग है तो उनको बाल गृह में डाल दिया, ये डाल दिया, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। गोली मारो सालों को।